अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल की तरफ से यमुनानगर जो हाईवे पड़ता है वहां पर, यानी कि जो इंद्री हाईवे है वहां पर। और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक यूपी नंबर का जो ट्रक है वो यहाँ पर पलट चुका है। आप देख सकते हैं UP258E7937 इस ट्रक का नंबर है। ट्रक के जो ड्राइवर है वो भी यहाँ पर मौजूद है, हालांकि काफी ज्यादा मायूस है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ट्रक का अगला टायर है वो निकल गया था। ट्रक का टायर निकलने की वजह से किस तरीके से ये ट्रक बुरे तरीके से पलट चुका है। ये एक्सल आप देख सकते हैं जो दो टायरों को जोड़ता है वो किस तरीके से अलग हो चुका है, ट्रक से बिल्कुल अलग हो चुका है। और आप देख सकते हैं उनके ड्राइवर भी हैं यहाँ पर, काफी ज्यादा मायूस है। कब का ये हादसा है? जी अभी दो घंटे पहले का। दो घंटे पहले का? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जी हम बदायूं से आए थे, यमुनानगर जा रहे थे। क्या नाम है आपका? जी यशपाल। आप चला रहे थे ड्राइवर? जी मैं ही था। तो कैसे पलटा ये? जी अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी, अगला वाला टायर निकल गया। टायर ही निकल गया अपने आप? हाँ जी, उससे गाड़ी पलट गई। तो पहले जब आप निकलते हैं तो सर्विस वगैरह करवा कर नहीं निकलते, चेक करके नहीं? नहीं, सब कुछ सही था, अच्छी खासी आ रही थी, रोज चल रही थी पर डे, लेकिन आज अचानक निकल गया। कोई और भी था यहाँ पर? जी और कोई नहीं था, हम दोनों लोग साथ में थे। साथ में थे गाड़ी में? क्या लोड है इसमें? इसमें लकड़ी थी। लकड़ी थी? लकड़ी थी। यूपी से यमुनानगर जा रहे थे? हाँ यूपी से यमुनानगर जा रहे थे। तो पुलिस वगैरह को जानकारी दी है किसी ने? जी अभी तो नहीं, कोई नहीं आई है। जब से यहाँ खड़े हुए हैं, जब से गाड़ी पलटा है तब से कोई पुलिस भी नहीं आई है यहाँ पे, समझे? और इन्फॉर्मेशन किया था पुलिस वालों को मगर वो फिर भी नहीं आए। हम लोग तीन लोग थे इसमें। किसी को चोट भी आई है? चोट नहीं आई है, हल्की फुल्की चोटें आई हैं, फिलहाल अभी चोट किसी की नहीं आई है। मगर वो अभी चोट आई है वो मतलब हम झेल सकते हैं फिलहाल। ट्रक के उनको जानकारी दे दी है? जी हाँ उनको जानकारी दे दी है। देख सकते हैं जो ट्रक के ओनर है उनको जानकारी दे दी, हालांकि पुलिस अभी मौके पर नहीं आई थी। जो तीसरे व्यक्ति हैं वो भी यहीं पर मौजूद है। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र मौर्य। कहाँ से हैं? बरेली से। बरेली से? जी सर। कैसे हुआ ये हादसा? ये अगला पहिया निकल गया, उसके बाद गाड़ी डिवाइडर से पलट गई। डिवाइडर से पलट गई उस साइड? हाँ, बाईं साइड का पहिया निकल गया। तो नुकसान हुआ है काफी? नुकसान तो बहुत हुआ है, पूरी गाड़ी खत्म है, आप देख ही रहे हो, पूरी गाड़ी खत्म है। चोट फोट भी लगी है हल्की फुल्की, फिलहाल ठीक है। ज्यादा चोट नहीं लगी है? ठीक है। डीजल भी सारा निकल रहा है? डीजल भी निकल रहा है सारा, सारे पहिये वहिये निकल गए हैं सर, टूटा पड़ा है गाड़ी। तो कितना समय लग जाएगा ये सब ठीक करने में? इसका तो कोई कह नहीं सकते, अभी क्रेन उरेन आएगी। मालिक आया मौके पर? अभी नहीं आया कोई, मालिक लोग आ रहे हैं। पुलिस को जानकारी दे दी है? मालिक लोग आ रहे हैं? मालिक लोग आ रहे हैं? मालिक लोग आ रहे हैं, जो ट्रक के ओनर है वो यहाँ पर आ रहे हैं। डीजल आप देख सकते हैं किस तरीके से निकल रहा है, हालांकि उसको इकट्ठा करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान है। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस ट्रक में लकड़ी है, लकड़ी लोडेड है, जो कि दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी वो किस तरीके से पलटी हुई है इस वक्त सड़क पर। और आप देख सकते हैं डिवाइडर से ये ट्रक बिल्कुल पलट चुका है। यूपी का नंबर है। अगला टायर आप देख सकते हैं, अगला टायर नहीं है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक हादसा ही इस वजह से हुआ है क्योंकि अगला टायर ट्रक का निकल जाता है। आपका क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव कुमार नाम है मेरा, यूपी से हूँ, बरेली से। और आगे वाला टायर इसका निकल गया, हम लोग बैठे हुए थे यमुनानगर जा रहे थे और इसका अगला टायर पलटने से ही सब काम इसका ख़राब हुआ है, समझे? गाड़ी पलट गई है और फिर उसके बावजूद भी हम लोगों को आ करके इन लोगों ने, हरियाणा वालों ने मारा भी पीटा है। किसने मारा, समझे? कोई बंदे थे यहाँ के दो चार लोग, उन्होंने मारा है पीटा है और ये बोल रहे थे ये सरकारी जमीन का, ये कहने का मतलब नुकसान हुआ है इसका 200 रुपए प्रति हिसाब के हिसाब से आप हमको जुर्माना दीजिए। किसने बोला ये बंदा था? यहाँ का ही था, लोकल का ही था वो। अच्छा, समझे? पैसे मांगे आप? पैसे मांग रहा था 200 रुपए प्रति हिसाब से, ये पत्थर के हिसाब से मांग रहा था। आपने दिए भी? नहीं हमने नहीं दिया पैसे। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उन्होंने मांगे? नहीं पता नहीं कौन था क्या नहीं, उसका हमारे ड्राइवर को भी मारा है, हमारे ड्राइवर को भी मारा है और बोल रहा है 200 रुपए प्रति हिसाब से पत्थर से हमको पैसे दीजिए। एसपी साहब को भी शिकायत करेंगे, ऐसे किसी ने आपको मारा कैसे? मारा है इसको, मारा है इसको, मारा है, इसीलिए ये रो रहे थे अभी जब हम आए। इसीलिए रो रहा था, उसको मारा है। भाई साहब आपको किसी ने मारा भी है? हेलो जी, मारा भी आपको? जी हाँ मारा, एक बंदा आया था उसने मारा था। कौन है वो? पता नहीं, हम तो उसे जानते नहीं, फिलहाल यही कहीं का था। कोई नुकसान हुआ था? उसका कोई नुकसान हुआ? जे कह रहा था ये रोड टूट गया, 60,000 रुपए दे दो। 60,000 मांग रहे थे? हाँ जी। ऐसे कैसे मांग रहे थे? पता नहीं कौन था, उसने मारा भी था, मैंने बर्दाश्त कर ली। आपने पूछा नहीं आप कौन लगते हैं?
बोले जी मेरा रोड है। अच्छा उनका रोड है। हाँ, ये बोला था। कोई फोटो वीडियो कुछ बनाया आपने? जी हमने कुछ ना बनाया, हमारा तो मोबाइल ही ना मिला, इसमें से हमें लोगों ने निकाला था। लेकिन वो अगर बंदा आ जाएगा उसका हम फोटो खींच लेंगे, अब ये मोबाइल मिल चुके हैं। आप पहचान लेंगे उस बंदे? हाँ जी। एसपी साहब से शिकायत करेंगे, ऐसे कैसे कोई 60,000 मांग सकता है? 60,000 रुपए मांग रहा था, बोले मेरा रोड तोड़ दिया, मेरा रोड तोड़ दिया, 60,000 रुपए मुझे चाहिए। रोड भी किसी का हो सकता है? हाँ ये बोल रहा था, इसको मारा भी है इसने, मारा भी है। मेरी गाड़ी में इतना नुकसान है, 4,00,000 रुपए का नुकसान है, फिर भी हम भी पिट रहे हैं यहाँ पे। कहने का मतलब हमें मारने का क्या उद्देश्य है? आपका भी तो नुकसान है और आपने कोई जानबूझ के थोड़ी नहीं किया, पहिया निकल गया रोड पे, सारी गाड़ियाँ चलती हैं तो पहिया निकल जाता है, इसको ड्राइवर निकल देता है क्या? गाड़ी का नुकसान होता है या किसी और के साथ? 4,00,000 रुपए नुकसान, इसमें कुछ रह गया है बताइए? इसमें कुछ रह गया है क्या? अब वो 60,000 रुपए हमसे मांग रहा था किस बात के? मैं बोला हमारा रोड है, हमको पैसा दीजिए। बताइए हम किसको पैसा दें? अपने गाड़ी का काम कराएं या उसको पैसा दें? आप देख सकते हैं ट्रक यहाँ पर पलटा हुआ है करनाल इंद्री हाईवे पर, और दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ UP 25887937 जो ट्रक का नंबर है, आप देख सकते हैं यूपी का नंबर है UP 25887937। इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो लकड़ी है वो लोडेड है और सारी की सारी लकड़ी इस वक्त बाहर आई हुई है। कुछ खेतों में भी आप देख सकते हैं, कुछ खेतों में भी नीचे जो है गिर चुकी है। हालांकि पुलिस को जानकारी अभी तक दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी पुलिस तो नहीं पहुँची, ना ही कोई क्रेन वगैरह पहुँची है, लेकिन कुछ ही समय में यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई पहुँचेगा, क्योंकि खबर अब चल चुकी है। और आप देख सकते हैं जो ड्राइवर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा मायूस है। हालाँकि जब हम यहाँ पर पहुँचे थे हमें इनकी मायूसी का कारण नहीं पता था, लेकिन इन्होंने बताया कि एक तो ट्रक का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और यहाँ पर एक व्यक्ति भी आया था जिसने ये कहा कि ये सड़क मेरी है और 60,000 रुपये की मांग भी की जाती है। और आप देख सकते हैं कि सफेदा का जो पेड़ होता है उसकी ये सारी लकड़ी है। यमुनानगर में काफ़ी फैक्ट्रीज हैं, काफ़ी उद्योगपति हैं जो इस तरीके की जो लकड़ी है उनको उनसे पलाई बनाते हैं, और आप देख सकते हैं ये लकड़ी आगे बदायूं से लेकर यमुनानगर जानी थी, और किस तरीके से यहाँ पर बीचों बीच हाईवे के ये ट्रक जो पलट जाता है, खेतों तक ये लकड़ियाँ आकर गिर चुकी हैं। हालांकि अभी तक यहाँ पर मौके पर कोई नहीं पहुँचा, लगभग 1-2 घंटे का समय है जो इस हादसे को हुए हो चुका है। आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन किस तरीके से फिलहाल काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। जो हादसे का कारण है वो यही बताया जा रहा है कि अगला जो टायर है ट्रक का निकल जाता है, अगला टायर निकलने की वजह से ही ये ट्रक जो लोडेड होता है लकड़ी से, सफेदे लकड़ी से, किस तरीके से हाईवे पर ही पलट जाता है। एक्सल हम आपको दिखा रहे हैं जो दो टायरों को जो जोड़ता है उसको एक्सल बोलते हैं, और किस तरीके से वो भी अलग हो चुका है, टायर तक बाहर आकर गिर चुके हैं। अगला टायर ट्रक का निकल जाता है जिसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, और किस तरीके से वो डिवाइडर से पलट जाती है, और डिवाइडर से पलटने के बाद दूसरी तरफ आप देख सकते हैं क्या हुआ, थोड़ा आगे से देख लो, उधर से देख लो। तो आप देख सकते हैं ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा मायूस है, लाखों का नुकसान इस ट्रक का हुआ है। यूपी बदायूं से लेकर यमुनानगर की ओर ये जा रहा था, करनाल इंद्री हाईवे से होता हुआ, और आप देख सकते हैं किस तरीके से हाईवे पर ये पलट चुका है। आगे से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ट्रक की, कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। अगला टायर निकल जाता है जिसके बाद ये ट्रक बुरी तरीके से यहाँ पर पलट चुका है, डिवाइडर पर पलटा है, और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ दूसरे लेन में किस तरीके से ये जो लकड़ियाँ हैं सफ़ेदे की लकड़ियाँ हैं ये बिखरी पड़ी हैं, नीचे गिर चुकी हैं, हाईवे पर है। हालांकि इसको समेटने में हमने अक्सर देखा है जब इस तरीके से बड़े बड़े कैंटर हो, ट्रक हो, डंपर हो, पलट जाते हैं लोडेड सामान के साथ, तो उनको उठाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन खबर दिखाने का मकसद यही होता है कि जल्द से जल्द इसको यहाँ से उठाया जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। डीजल जो है वो लीक हो रहा था, उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं इकट्ठा करके रखा गया है, कैनी भी एक पड़ी हुई है, एक पतीला है जिसमें डीजल इकट्ठा करके रखा है। हालांकि खबर दिखाने का मैं फिर से बता रही हूँ कि मकसद यही होता है ताकि हाईवे को जल्द से जल्द क्लीन किया जाए, जल्द से जल्द इसको जो ये ट्रक है पलट चुका है इसको भी सीधा खड़ा किया जाए, इसको भी यहाँ से हटाया जाए हाईवे से, और जो लकड़ियाँ खेतों तक गिर चुकी हैं उसको भी यहाँ से जल्द उठवाया जाए। प्रशासन से हमारी यही उम्मीद रहेगी, प्रशासन से अपील भी यही रहेगी कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचे, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँचे और जल्द से जल्द हाईवे को खाली करवाया जाए। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। आपने देखा कि किस तरीके से बदायूं की तरफ से आता हुआ ये ट्रक यमुनानगर की तरफ जा रहा था,
ये जो सफेदे की लकड़ियां हैं वो इस ट्रक में लोडेड थी, अगला टायर निकल जाता है और ये ट्रक हाईवे पर ही पलट जाता है। धन्यवाद।